तो ये मैंने गाइस फ्लिपकार्ट से मैंने ये साड़ी मंगवाई थी और अभी ये डिलीवरी मुझे अभी मिली है जस्ट। जैसा मैंने देखा था, लव यू फ्लिपकार्ट, कितनी सुंदर है ना। तो गाइज इसको मैं पहन के भी जल्दी दिखाऊंगी, बहुत जल्दी। इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप लोग ठंड से बच के रहना। और अभी हम थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, एक यहाँ पे छोटी सी मार्केट है जो कि मंगल बाजार नाम से है और स्पेशली वो मंगलवार को ही यहाँ पे दिखाई देती है। तो चलते हैं, हम देखते हैं, कुछ अच्छा मिला तो वहाँ पे ले लेंगे, नहीं मिला तो बस घूम के आ जाएंगे, क्या है। तो हमारे पति देव बोल रहे हैं आज हमें बिल्कुल मत दिखाना, कल मैं थोड़ा तारीफ ज़्यादा तुम्हारी कर दिया हूँ तो आज कोई हक नहीं तुम्हें देखने का, मैंने दिखा दिया, सॉरी। तो आज ऐसा कि सबको पता है ये कैब, ये किसी का डोर ओपन है यार, मेरा ऐसी डोर बंद कर, प्रिया ऐसे क्यों बंद करती हो? मैं जरा कोमलता से करती। तुमने कोमलता बोला, मेरा फोन गिरने से बच गया। गाइस इतनी कोमलता से कौन डोर क्लोज करता है कि बंद ही ना हो। गाइस कितना ये फॉगी फॉगी हो रखा है और बहुत ज्यादा ठंड है, तो कोई बात नहीं, मजा आ रहा है ठंड का भी अपना अलग। कोमलता से हर एक चीज़, मतलब बहुत कोमलता से हर एक चीज़ पकड़ती हूँ या कुछ भी बंद बंद करती हूँ। कोमलता से ठंडी मत लगा, तुम्हारे हाल बहुत खराब, थोड़ा कोमलता ले लूँ। तो गाइज आप लोगों ने, जिन्होंने भी कमेंट करके मुझे बधाइयाँ दी न्यू फ्लैट के लिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एंड यूट्यूब पे, सबको थैंक यू। इंस्टाग्राम पे तो सबको ढेर सारा थैंक यू। अच्छा लगा मुझे कि आप लोग को अच्छा लगा और मैं आगे भी ऐसे अपनी सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, और क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है कि मैं आप लोग के साथ जुड़ी हुई हूँ तो सारी चीज़ें अपनी शेयर करूँ, है ना। बिल्कुल मार्केट में घुसते नहीं है कभी भी। जो मार्केट में घुसेगा वो हम दोनों हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है तो ये बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हम लोग उतर गए हैं नीचे और इन्होंने गाड़ी साइड में लगा ली है, अब चलते हैं मार्केट में, देखते हैं कुछ अच्छा लेंगे, कुछ अच्छा मिला तो ले लेंगे, नहीं मिला तो अभी अब हम लोग चलेंगे मार्केट। हाँ तो वही तो चल ही तो रहे हैं, वही तो कह रही हूँ चलेंगे। हाँ चल रहे हैं। अरे भाई वही कह रही हूँ चलेंगे। चलो चलते हैं, हमारी शॉपिंग हो गई। ज़्यादा कुछ हमने नहीं लिया है क्योंकि ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी कुछ कुछ पसंद आया है विंटर में, तो वो मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी। अब देखते हैं आरव और उसके पापा है या चले गए, पता नहीं। प्रिया कॉल करो ना, ओके थे लेकिन मैंने कॉल किया तो ये आ गए और हमें पिक कर लिए हैं। आधी दूरी से करीब हम लोग हाफ किलोमीटर पैदल चल के आए हैं ना प्रिया। पहले हमने सोचा कि कोई, हम क्या बोलते हैं उसको, ये रिक्शा, इसको क्या बोलते हैं ये वाला, ई रिक्शा, तो ये हम लेने वाले थे। फिर ये बोले मैं आ रहा हूँ, तो फिर हम लोग सोचे कि
अपने ही आदमी ले जाएंगे अपना ड्राइवर अपना ड्राइवर ले जा। यार मुझे ना ड्राइविंग सीखनी है, मुझे भी गाड़ी चलानी है, पर मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं चलानी। गाइस मैं सोचती हूँ मैं ड्राइविंग सीख लूँ, बट सीखना और जब चलाना तो हम लोग को उतार के फिर मैं क्यों चलाऊंगी, मैं चलाऊंगी तो प्रिया को बैठा कर। ने बोला कि हम सब्जी ले लेते हैं तो हम फ्रूट्स लेने आ गए हैं, है? ये फ्रूट है। इन्होंने फाइनली सब्जी ले ही ली है। तो गाइस हमने सब्जियां ले ली हैं और हम करो बेटा। हे गाइस तो मैं घर आ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ, ज़्यादा मैंने कुछ लिया नहीं, एक मैंने वैसे भी अब विंटर जा रही और विंटर के ही कपड़े ज़्यादातर मिलते हैं, तो मैंने एक लिया जो मुझे बहुत प्यारा लगा, हुडी है और ये बहुत क्यूट लगा मुझे एक्चुअली, इसका ये हुडी है और ये कुछ ऐसा है। उसका बैग से भी फ्रंट है, जब मैं ब्लॉग में पहनूंगी तो दिख ही जाएगा मैंने कैसा लिया है। और ये इसकी पैंट है जो काफ़ी गर्म है ना, काफ़ी वार्म है। चलने वगैरह के लिए ना ये बड़ा सा लिया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बर्तन की भी दुकान थी और मुझे कि ऐसा कुछ लगा नहीं, बट मेरे को लगा कि थोड़ा सा बड़ा है, कुछ ज़रूरत पड़ जाए क्या पता इसमें खाना रखा है आप। सही बोली, इसमें मैं प्रिया के लिए स्पेशली खाना दिया करूँगी, हाँ भी खाएंगे फिर वो। तो चलो अब हम चाय बनाते हैं, फ्रेश हो जाते, थोड़ा सा थक गए हैं घूम घूम के, भले ही कुछ नहीं लिया सब्जी खरीद के थक गई, तो मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं फिर। अरब का चल रहा है होमवर्क, अरब क्या होमवर्क है आज? होमवर्क है कि यहाँ पर एक कैरेक्टर बनाना, उसके बारे में बताना है। ओके तो उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। कार्टून कैरेक्टर राइट? तो तुम्हारा फेवरेट क्या है? रोबोबा, वी द रोबोबा। अच्छा तो ये पिक्चर निकाल कर और यहाँ पे ड्राइंग की जा रही है। हाय कुछ अच्छा सा बना दो आरू, ठीक है फिर हम सबको दिखाएंगे, अच्छी सी पिक्चर बनाना। ओके मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, तो ये बन रही है हमारी चाय और अब हम चाय पीते हैं। आदाब से हाय। हेलो टू फ्रेंड्स। आदाब जी से चाय पीना। आजकल मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं डाइटिंग कर लूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, तो जब तबीयत ठीक है तो फिर हम डाइटिंग कर सकते हैं, जब नहीं ठीक रहती तब थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है डाइटिंग करने में, बट ऐसा डाइटिंग नहीं करो कि आप कमज़ोर हो जाओ ऐसे स्टाइल में, क्योंकि हम कच्चा कुछ खा नहीं सकते, ये हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो हम इसमें ले रहे हैं थोड़ा सा ऑयल। ओके चलो नहीं, क्योंकि मैं भैया के लिए भी बना रही हूँ आज का डिनर, यही इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का जो मैंने कूटा हुआ है, वैसे रेडीमेड भी है बट रेडीमेड ज़्यादा यूज। मैं बड़ी बड़ी कटी हुई प्याज डाल रही हूँ, ये इंडिया है ना तो हम कच्चा खाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैंने थोड़ा सा गाजर और ब्रोकली को मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में नमक डालकर मैंने 2 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और अच्छे से धुल भी जाएगा, क्योंकि इसमें मतलब नमक डाल के धुल दो तो क्लीन हो जाती है अच्छे। इतनी ठंडी है और इतना मतलब पानी, गाइस यकीन मानो पूरा पानी बलक रहा था, और देखो आप लोग मैं पूरा हाथ डाल सकती हूँ, मतलब इतनी ठंडी है। नहीं भाभी, 100 ग्राम पनीर लिए हैं और ये पनीर का और थोड़ा सा हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे और अब हम इसमें ये
चटनी, शिमला, गाजर, ब्रोकली, ये सारा कुछ डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्न है तो कॉर्न डाल दीजिए, और नहीं है तो मत डालिए, मटर डाल लीजिए। तीखा पसंद है, वैसे भी थोड़ा सा डाइट कर रहे हैं अगर आप ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं तो अच्छा रहता है, ज़्यादा नहीं पता। तो मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट डाला है और हाफ इंच भर मैंने थोड़ा सा, मैंने इसमें हल्दी भी डाली है, भूल गई थी सॉरी बताना। और ये मैंने थोड़ा सा काली मिर्च, अब इसको मैं 2 से 3 मिनट हल्दी 2 से 3 मिनट मैं इसको भाभी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ढक कर, ब्रोकली ताकि और गाजर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए बस थोड़ा सा हम 1 मिनट और करेंगे बस। देखिए आप, हमारा सैलेड रेडी है। अरे इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ओ ये है हमारा भाभी। वाह यम्मी लग रहा है ना। वो देखो आरू ने कितनी मस्त ड्राइंग बनाई है, मुझे तो अच्छी लगी। मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने दिखाया भी था थोड़ा सा। तो गाइस ये है हमारा आज का डिनर, इसके साथ हम अभी खा के बताएंगे कैसा लग रहा है। मतलब मैं क्या, मैं तो तारीफ ही करूँगी, जिस इनको खा के बताऊँगी, प्रिया खा के बताएगी कैसा लग रहा है। तो प्रिया खा के बताने वाली कैसा लग रहा है। अरे इनका मास्क नहीं निकला है, ये घूम के आ गई, चेंज भी कर लें लेकिन मास्क नहीं निकला। मैं भी खा रहा हूँ। बहुत टेस्टी है, आप लोग जरूर बनाए खाना क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग डाइट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा डिनर कुछ हो गया। मैं डाइट नहीं कर रही, मैं फिर भी खा रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आप लोग डाइट कर रहे हो तो ही करो, क्या पता इसमें तो बहुत सारे लोग सुकड़े सुकड़े भी हो सकते हैं। खा के बताने वाले हैं यार। यस यस यस, इसका तो ये फेवरेट है, अरब का पनीर तो फेवरेट है। इतने 5 स्टार हैं, 100 स्टार, मिलियन स्टार। अब वो खाना गाइज, चलो बाय, टेक केयर। और आप लोग ब्लॉग देख के कमेंट किया करो, थोड़ा बताया करो कि हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, तो थोड़ा अच्छा लगता है आप लोग के बताने से। अगर आप कुछ चीज़ें गलत लगती हैं या बुरी लगती हैं तो वो भी बताओ, तभी तो हमें सीखने को मिलेगा। तो चलो बाय बाय बाय। ठंड गाइस, बहुत ठंडी है, अब हम आ गए हैं बिस्तर में। ठंड प्रिया को आया नहीं सर। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लेना और लाइक भी कर देना। सो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।